जो आपका घर में नगीना है ना, वो नगीना नहीं है। एक बात पूछूं आपसे, वहां क्या हुआ था? मेरे ख्याल से मैं तुम्हें बता सका। नवाब साहब, आप सिर्फ नाम के ही नहीं, आसाब के भी नवाब हैं। अच्छी तरह जानती हूँ कि आपको चक्कर वक्कर नहीं आते। 27 साल से मैं आपकी बीवी। हाँ, यहां वहां आपकी नजर को फिसलते तो जरूर देखा मैंने, लेकिन पैर फिसलते नहीं देखा। कहना क्या चाह रही हैं आप? आप पहले से उस घर को जानते थे ना? आप इसीलिए वहां जाना नहीं चाहते थे ना? आपके माजी का कोई किस्सा, कोई कहानी उस घर से जुड़ी है ना? मेरे पास आपकी किसी फजूल सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, मत दीजिए मुझे जवाब, लेकिन याद रखिएगा कि उस घर में एक लड़की रहती है जिसके इश्क का भूत आपके बेटे के सर पर सवार है, और जब वही भूत बनकर रोजाना आपसे सवाल करेगा, बल्कि बार बार करेगा, तो फिर आप कितनी देर चुप रहते हैं अच्छी तरह देखूंगी मैं। क्या वो उस लड़की को अभी तक नहीं भूला? कल रात को ही अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था जिसने हाल ही में कोर्ट मैरिज की, और वो उससे पूछ रहा था कि कोर्ट मैरिज होती कैसे है। शब बखैर नवाब साहब। शाइस्ता, शाइस्ता, बोलो बोलो ना, बताओ क्या किया था सर ने? बताते क्यों नहीं हो तुम्हें कि क्या किया था मेरे साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आर यू ओके? कुछ नहीं, आप अब सो जाए। Do you need any help? बताएं। कैसे हो? मैं आपके पास ही आने वाली थी। चलो, अब मैं तुम्हारे पास आ गई। नहीं, वो मैं आपसे माफी मांगने के लिए आ रही थी। बहुत गलत हुआ, आप जानती हैं ना, मैं मिनाल से कितना प्यार करती हूँ। पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं कैसे मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी कर दी। आलिया, बैठो,
भूल जाओ सा, जो भी हुआ आलिया प्लीज उसे भूल जाओ। मुझे बस ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? ठीक रहने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी दानिश से बात हुई? जी हुई थी। क्या कहा उसने? उसके डैड नहीं मान रहे। कितनी अजीब बात है ना भाभी, यहाँ आने से पहले दानिश के डैड उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस घर में आने के बाद, मुझसे मिलने के बाद, वही सबसे बड़े मुखालिफ बन गए। ऐसा क्यों हुआ भाभी? काश अब्बा और भाई एक बार उनके घर चले जाते और जाकर खुद बात कर लेते तो। आलिया, हम लड़की वाले, लड़की वाले ऐसी बातें नहीं करते। अब्बा और भाई नहीं जा सकते, और ये बात मैं उनसे कभी नहीं कह सकती कि वो जाए। लेकिन आप तो जा सकती हैं ना भाभी? मैं? हाँ भाभी प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आप वहां जाएं और दानिश के डैड को मनाएं, हो सकता है वो मान जाए। आलिया, अमान मुझे इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे। आप उन्हें बताए बिना चली जाए ना, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम ये बात भाई को कभी भी नहीं बताएंगे, और अगर मान गए तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा ना। लेकिन मैं आलिया, मैं इस घर की बहू हूँ, मेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी। प्लीज भाभी, आप उनकी खैरियत पूछने के बहाने चली जाए। जब आप वहां जाएंगी तो सब बातें खुद ब खुद शुरू हो जाएंगी। और प्लीज भाभी इनकार मत कीजिएगा मेरी खातिर, अगर आप मुझे बहन मानती हैं प्लीज मेरी ये बात मानिए। प्लीज भाभी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर चली जाती हूँ, लेकिन लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ। तुम मिनाल का बहुत ख्याल रखोगी, उसे एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दोगी, वादा करो मुझसे। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मिनाल को एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। अम्मी ग्रोसरी स्टोर तक गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनवाऊं? जी फरमाइए, कैसे आना हुआ आपका? देखिए मैं जानती हूं उस दिन घर में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से आप सब बहुत परेशान हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि शादी ब्याह के मौके पे इन सब बातों को बदचुगनी का नाम दिया जाता है, लेकिन इस थोड़े से वक्त में जितना मैं आप सबको समझ सकी हूँ, आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं, और दानिश हम सबको बहुत पसंद है। सबसे बढ़ के दानिश और आलिया एक दूसरे को चाहते हैं। वो एक दूसरे को चाहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो दोनों जवान हैं, कम अकल है, उनके लिए क्या अच्छा है क्या गलत इसकी उनको अभी समझ नहीं है। मैं समझी नहीं आपका इस तरह से इस रिश्ते से इनकार कर देना बगैर किसी वजह के। मेरा मतलब है ये सब हम घर वालों के लिए बहुत तकलीफ दे,
और आपका बेटा दानिश, वो कितना परेशान है। क्या आप अपनी बेटे की खातिर, उसकी खुशी की खातिर ये सब कुछ भूल नहीं सकते? आप अजीब जिद कर रही हैं। मैंने आपको बोला है मुझे नहीं करनी उन दोनों की शादी। आप मेरे बेटे की फिक्र करना छोड़ दें। उसकी फिक्र करने के लिए उसकी मां और मैं दोनों मौजूद हैं। भाजी कहाँ जाना? गिजरी लेन वन। हाँ बैठे, बिस्मिल्लाह। भाई रास्ते में जो दरगाह आती है वहां पे रुकिएगा। अली फल्ला छोड़ के आई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस हाल में जब तिलावत को लेके निकला था ना, उसका लाश को लेके आपके घर से निकला, वो भी आया था वहां, उसने हमें मारने का कोशिश भी किया था। बेगम शाह कौन? नीली बेगम शाह। उसने हमें जान से मारने का कोशिश किया था, लेकिन ये तो ऊपर वाले का मर्जी था जो हमारे जान बच गया। बेगम साहब, हम तब से अपने पीरो मुर्शिद के दरगाह पे पड़ा है, हम तो घर भी नहीं आया, हम घर आएगा भी नहीं। उसने दिलावर को मार दिया, बेगम साहब हमें भी मार देगा।
मैं हूँ, तुम नहीं हो, वो है और मेरी मिनाल उसके पास है। कमशाद, कमशाद, जो आपका घर में नगीना है ना, वो नगीना नहीं है। कमशाद, आप उसके सामने जाने से पहले सोच लेना, वो बहुत ताकतवर हो चुका है। जब दिलावर जिंदा था ना, उसने अपने हसार में कैद करके रखा था उसको, इतना ताकतवर नहीं था। अब वो किसी का भी शक्ल ले सकता है, किसी का भी रूप बदल सकता है। बेगम साहब, वो शैतान बन चुका है, वो खानदान के बीच में फरेब का जाल बुन रहा है। जैसे जैसे शैतान करता है ना, इंसान को इंसान से लड़ाता है, वो ही कर रहा है। सब झूठ कर दिया बेगम साहब, बहुत ताकतवर हो चुका है। बेगम साहब, आप नहीं जाए, काम नहीं जाएगी ना, प्लीज प्लीज बस एक बार मेरे साथ घर चलो। हो सकता है तुम्हें जब सब देख ले तो सब मेरी बात का यकीन कर ले, अमान मेरी बात का यकीन कर ले। बेगम साहब, आपके एतबार के चक्कर में हमारा जान चला जाएगा। बेगम साहब, मुझे दिलावर को भी मार दिया, आपको पता है दिलावर के पास हमारा बच्चा था, अब हमें नहीं पता हमारा बच्चा किधर है, हमने उसको इतना लूटा। बेगम साहब, हमें नहीं मिला हमारा बच्चा, मेरा मामा जी नहीं रहा। एक बार मेरे साथ चलो, तुम्हारे दरबार का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे पापा का वास्ता, और मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा ढूंढूंगी, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारा बच्चा मैं ढूंढूंगी। बस एक बार चलो। मैंने तुमसे कहा ना, निकलो मेरे घर से। क्या हुआ है तुम्हें, क्यों निकाल रही हो इसको? ठीक ही तो कह रही, तुम्हारी वहां शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये कहानी है एक बहुत खूबसूरत लड़की की, जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी, बहुत प्यार करने वाली। सिंड्रेला को उसका शहजादा नगीना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी सफाई खत्म नहीं हुई अभी? टेबल देखो कितनी गंदी है, साफ करो इसे। मिनाल बीबी, कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे पास बैठो। मैंने बोला था ना, आज एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं होना। मैं आपको स्टोरी सुना, ये देखो। टंकी टेस्टी हैप्पी एवर आफ्टर पोर्शन, नथिंग हैपन। मे बी इट डज नॉट वर्क ऑन टंकी।
पप्पो ने आपसे इतनी बार सॉरी किया, आपने पप्पो को माफ नहीं किया? ओके, माफ कर दो मुझे, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो पप्पो को, सॉरी। मेरा प्यारा बेबी, चलिए मैं आपको स्टोरी सुना दूं, आ जाओ मेरे कमरे में चलते हैं, कम। क्या हुआ, क्यों इस तरह से आवाजें दे रही है उससे? मिनाल कहाँ है, प्लीज बताइए जल्दी। यही कहीं खेल रही होगी, मगर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती है, तुम्हें मेरे घर से जाना होगा, प्लीज निकल जाओ यहाँ से। बेगम साहब, आपने किया क्या है? आप हमें क्यों घर से निकालना चाहते हैं? हम तो सुबह से काम कर रहा था, एक कोना बड़ी बेगम साहब ने साफ कराया, आप बताओ। मैंने तुमसे कहा ना, निकलो मेरे घर से। क्या हुआ है तुम्हें, क्यों निकाल रही हो इसको? ठीक ही तो कह रही, सुबह से मैंने लगाया हुआ था इसे घर के कामों पे, एक मिनट की छुट्टी नहीं दी, घर का एक एक कोना साफ कराया, अरे तुम हो खाम खा बातें सुना रही हो। लेकिन हाँ, मुझे चाय बना दो, फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। जी जी मैम साहब। तुम चाहे जितने भी रूप बदलो, मैं अब तुम्हें अपनी बेटी के पास नहीं आने दूंगी। दरगाह पर? बेगम साहब, कुछ जो दरगाह पे मिला था ना, वो नीली था, शैतान था, धोखा दे रहा है आपको, आप फिर से उसके बहकावे में आ गया। बेगम साहब, आम नागीना है, दरगाह वाला नीली, हम नागीना, आप बेगम साहब।
आपका घर में नगीना है ना, वो नगीना नहीं, जो दरगाह पे मिला था ना, वो नहीं था। किसी का भी रूप बदल सकता है बेगम शाह। वो शैतान बन चुका है। आम नगीना है, दरगाह वाला नीली। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मीनार, मैं पागल नहीं हूं मैं पागल। वो है वो इसी घर में। मेरे साथ खेल रही है। जब उसके सिरे असर आती है तो उसको देख सकती है। मीनार उससे बातें करती है। आप उसे देख सकते हो ना? आपको नजर आती है, आप उससे बात कर सकते हो ना? फिर वो किसी और को क्यों नहीं नजर आती? अमान को, अंकल को, आंटी को क्यों नहीं नजर आती? पास भी नहीं है। और नगीना कौन है? वो जो दरगाह पे है या जो मेरे घर पे है? कौन है नगीना?
ये सब मैं अमान को कैसे बताऊं? मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं? कौन? भाभी मैं आलिया। जी भाभी मैं आलिया ही हूँ। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? आप दानिश के घर गई थी, आकर मुझसे मिली ही नहीं। बताएं तो सही, वहां क्या बात हुई? दानिश बताएं तो क्या हुआ वहां पर? दानिश के डैड ने क्या कहा? उसकी अम्मी मिली थी आपसे? आलिया तुम प्लीज दानिश को भूल जाओ, प्लीज। तुम्हारी वहां शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही है? आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आप ही मायूसी वाली बातें करेंगी तो कहां जाऊंगी मैं? कौन है? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? कब से कॉल कर रहा था? चार्जिंग खत्म हो गई होगी। अच्छा, मुझे लगा शायद मुझसे नाराज हो इसीलिए फोन ऑफ कर दिया। तुम्हारे डैड ने तो हमारा रिश्ता ही ऑफ कर दिया। अब क्या फर्क पड़ता है मेरा मोबाइल ऑन रहे या ऑफ? अच्छा छोड़ो, इधर आओ मेरे पास, इधर इधर बैठो आकर। आलिया मैं सॉरी करना चाहता हूँ। कहो, सुन रही हूँ मैं। देखो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डैड को संभल भाभी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है उसके बाद मैं डैड से लड़ा भी हूँ। पता नहीं क्यों ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा दानिश? नहीं समझ आ रही आलिया, पता नहीं हमारी शादी मसला कश्मीर क्यों बन गई।
और डैड ने तो कसम खा ली कुछ भी हो जाए तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होने देंगे। क्या हुआ ऐसे क्यों देख रही? तुम मुझे यहाँ पर ये सब बताने आए हो? नहीं मैं तुम्हें यकीन दिलाने आया हूँ चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ना हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और तुम्हारे डैड? उनकी तुम फिक्र मत करो मना लूंगा। कैसे? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता बस मैं ये देखने आया था कि तुम मेरे साथ खड़ी हो या नहीं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी और हमेशा खड़ी रहूंगी। बस फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं डैड को मना लूंगा और उन्हें मानना पड़ेगा हर सूरत में। और अगर वो ना माने तो? अगर वो ना माने आलिया तो सेकंड ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। और वो सेकंड ऑप्शन क्या है? कोर्ट मैरिज। ये रिश्ता सिर्फ एक ही बुनियाद पे होगा वट्टे सट्टे की बुनियाद पे। मेरे बेटे का रिश्ता उनकी बेटी से उनके बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से ताकि हम बराबरी की बुनियाद पे बात कर सकें। मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलकर यहाँ मुझसे हमदर्दी जता रही चली जाओ यहाँ से। इसके घर वालों को भी पता चलना चाहिए ना कि दूसरों की बेटियों के साथ ज्यादती करें तो उसका अंजाम क्या निकलता है। तुम्हारे साथ भी वही करना चाहिए जो नेहा के साथ उसके घर में हो रहा है। को समझाओ उनसे कहो कि हमें उसके चेहरे पर वही खुशी और वही मुस्कुराहट वापस चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे अपने बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।